अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हिना और मेरे इस चैनल का नाम है लाइफ विद हिना, जहाँ मैं कुछ DIYs और कुछ ब्यूटी से रिलेटेड कंटेंट्स अपलोड करती रहती हूँ। आज जो रेमेडी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत सिंपल सी रेमेडी है। ग्रे हेयर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा टोनर है। ये टोनर ग्रे हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको बनाना जितना सिंपल है, इसमें इतने सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे, लेकिन ये इतना इफेक्टिव है हमारे बालों के लिए कि अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आपके बाल सफ़ेद होना लाजमी रुक जाएंगे, और अगर आपके बाल जो है वो प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग वाला प्रॉब्लम है तो वो तो आपका बिल्कुल ही सॉल्व हो जाएगा, बाल आपके रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये टोनर बनाने के लिए हमने जो चीज़ें यूज़ करनी है उन चीज़ों को हम देख लेते हैं कि किस तरह हमें ये टोनर प्रिपेयर करना है। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 2 कप पानी। 2 कप पानी लेके उसमें आप ऐड करेंगे 1 पूरा टेबल स्पून कलौंजी का। कलौंजी जो है वो हमारे हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, प्री मैच्योर हेयर ग्रोइंग को ये स्टॉप करती है और हेयर जो हमारे सफ़ेद हो रहे होते हैं उनको रोकती है, क्योंकि इसमें लेनोलिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है जो कि हमारे बालों के पिगमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, मेलानिन को इम्प्रूव करता है, जिससे हमारे बाल जो सफ़ेद हो रहे होते हैं वो सफ़ेद होना रुक जाते हैं। ये बालों की वैसे भी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जितना भी हमारा हेयर लॉस हो रहा होता है ये उसको भी कंट्रोल करती है, बालों को नरिश करती है, हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, स्कैल्प हमारा जो ड्राई हो तो उसको भी ये रिलीव करती है, बालों में शाइन ऐड करती है। दूसरी चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है काले तिल, ब्लैक सीसेमे सीड। ब्लैक सीसेमे सीड भी हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे, और ब्लैक सीसेमे सीड तो मिरेकल है हमारे बालों के लिए। अगर बालों के कलर को आप चाहते हैं कि हमारे बालों का कलर बहुत अच्छा रहे, ग्रे ना हो, हमारे बाल सफ़ेद ना हो, तो इसका इनटेक भी बहुत बेस्ट है, और इसको जो है इसकी टॉपिकल एप्लीकेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें विटामिन ए, बी, ई, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं, इतना पोटेंट होते हैं ये सीड्स हमारे बालों के लिए, कि जब हम इसकी टॉपिकल एप्लीकेशन करते हैं अपने बालों पे तो जो हमारे बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं वो श्योरली 100% सफ़ेद होना रुक जाते हैं, और अगर प्री मैच्योर ग्रोइंग है तो वो तो लाजमी रिवर्स होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, तीसरा की इंग्रेडिएंट जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो है कड़ी के पत्ते, कड़ी लीव्स। एक अच्छी मिकदार में 15 से 20 कड़ी के पत्ते हम इसमें ऐड करेंगे। कड़ी के पत्ते बालों के लिए मिरेकल हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बालों के पिगमेंट को बढ़ाते हैं, मेलानिन को इम्प्रूव करते हैं, जिससे हमारे जो बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं वो रुक जाते हैं, और जो हो चुके होते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता डार्क होना शुरू हो जाते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, विटामिन बी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत हेल्प करते हैं ये हमारे बालों को काला करने के लिए। चौथा की इंग्रेडिएंट जो इसमें यूज़ हो रहा है उसके बारे में तकरीबन सभी को पता है, आंवला। मैं यहाँ पर ड्राई आंवला यूज़ कर रही हूँ, 10 से 12 ड्राई आंवला जो है वो आप इसमें ऐड करेंगे। आंवला जो है ये विटामिन सी रिच होता है बहुत ज़्यादा, जो कि हमारे बालों को बेइंतहा बहुत ज़्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ड्राई डल हेयर जो है वो रिवर्स हो जाते हैं, बहुत अच्छे होना शुरू हो जाते हैं, और बालों को काला करने के लिए, ग्रे हेयर के लिए, प्री मैच्योर हेयर ग्रोइंग के लिए तो ये एक मिरेकल है। अब इसको आपने इतना पकाना है कि ये पानी आपका हाफ रह जाए। आप इसको मीडियम आंच पे रख के जो है इतना पकाएं कि पानी आपका हाफ रह जाए, फिर ठंडा करके आपने इसको स्प्रे बॉटल में सेव कर लेना है। ये देखें, ये इसमें बॉयल आ चुका है, पानी जो है वो हाफ रह गया है। इस तरह से देखें, इसका अच्छा सा इसका कलर आ गया है। अब इसको आपने ठंडा करके और किसी स्प्रे बॉटल में जो है वो भर लेना है। अब ये टोनर बनके हमारा रेडी हो गया है। इसको आपको अप्लाई किस तरह करना है, वीक में कम से कम 3 दफा जो है वो लाजमी आपको ये टोनर अप्लाई करना है। आप चाहें इसे ओवरनाइट भी अप्लाई करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसको लगाने से कोई ऐसे आपको चिपचिपापन या कोई इस तरह का आपको फीलिंग नहीं आएगी। अगर आप चाहें तो इसको अपने नहाने से जो है वो 2 से 3 घंटे पहले आप इसको अप्लाई कर लें, अप्लाई करके उसको छोड़ दें, और अपना नॉर्मल फिर आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं उससे आप अपने बालों को शैम्पू कर लें।
ये टोनर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, आप इसको यूज करें, बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। आपके बाल लाजमी ग्रे होना रुक जाएंगे और फिर रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन शर्त है कि आपको इसको कंसिस्टेंसी से यूज करना होगा, क्योंकि जो भी हर्बल रेमेडीज होती हैं उनको कंसिस्टेंसी से यूज करते जाते हैं तो ही उनका फायदा होता है। ये एक से दो दफा में कोई फायदा नहीं देती, इनको आप यूज करते रहेंगे तो ही जाके आपको इनका रिजल्ट मिलेगा। बहुत इफेक्टिव टोनर है, इसे यूज करें, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इससे क्या फायदा हुआ। मिलती हूँ फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत अच्छी सी रेमेडी के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।